हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। बिहार की खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार के जीरो से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी खबर लगातार मिलती रहे। दोस्तों, 18+ वैक्सीनेशन से बढ़ेगा खून का संकट। कोवैक्सीन की पहली डोज लेने के लिए 56 दिन और कोविशील्ड में 70 दिन तक नहीं कर पाएंगे रक्तदान। पहले कर दें रक्तदान तो नहीं होगी ब्लड बैंकों में खून की कमी। कोरोना काल में खून का संकट बढ़ सकता है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद आप खून नहीं दे पाएंगे। ऐसा वैक्सीन के प्रोटोकॉल के कारण होगा। प्रोटोकॉल के मुताबिक कोवैक्सीन की पहली डोज लेने के 56 दिन और कोविशील्ड की पहली खुराक लेने के 70 दिन तक रक्तदान नहीं किया जा सकेगा। इस दशा में ब्लड बैंकों में ऐसे ब्लड ग्रुप को लेकर संकट की स्थिति होगी जो आसानी से नहीं मिल पाते हैं। 1 मई से सरकार ने बिहार में 18 वर्ष तक के लोगों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया है और कई रक्तदाताओं में इसी आयु वर्ग के लोग अधिक होते हैं। ऐसे में खून को लेकर पहले से तैयारी नहीं की गई तो 1 मई के बाद समस्या जो है बढ़ सकती है। वह दोस्तों, बिहार में हाई लेवल मीटिंग में नीतीश ने आयुष, यूनानी, डेंटल, रिटायर्ड डॉक्टरों का सहयोग लेने और हर हाल में ऑक्सीजन आपूर्ति को कहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, डीजीपी एसके सिंघल, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के अलावा अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद थे। इस दौरान सीएम नीतीश को बिहार में कोरोना के मामले, जांच और वैक्सीनेशन के ताज़ा अपडेट्स की जानकारी दी गई। सीएम ने इसके बाद अधिकारियों से कहा कि अभी कोरोना के मामले और बढ़ने का अंदेशा है और इसलिए इससे बचने के हर संभव कदम उठाए जाएँ, और कहा गया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हर हाल में सभी अस्पतालों में सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही कोरोना से लड़ाई में राज्य के अन्य डॉक्टरों का सहयोग लेने का भी निर्देश दिया गया है। वह दोस्तों, कोरोना से हो रही मौतों पर टूट रहा इंसान। पति की मौत का सदमा नहीं झेल पाई तो गंगा में डूब कर दे दी जान। जब बच्चों के सिर से उठा माँ बाप दोनों का साया। कोरोना की दूसरी लहर में हो रही मौत इंसानों को तोड़ती जा रही है, दिमागी तौर पर कमजोर कर दे रही है। वह दोस्तों, लालू यादव के आने की खबर से रिचार्ज हुआ आरजेडी। तेजस्वी से लेकर संगठन के नेता भी इस बार एक्टिव। पिछले साल कोरोना में सभी नेता थे गायब। आरजेडी के सभी नेता सोशल मीडिया पर लगातार दे रहे हैं बयान। लालू यादव के जेल से बाहर आने की खबर मात्र से पूरे आरजेडी में नई ऊर्जा आ गई है। विपक्ष के रूप में आरजेडी जितना हमलावर नहीं दिखता था, अब इस कोरोना काल में आरजेडी के नेताओं में धार दिखने लगी है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अब नए नए तरीके से सरकार पर हमला कर रहे हैं और उनके बयान अब सरकार को इस तरह से घेर रहे हैं कि सरकार की बोलती बंद हो जा रही है। इसको लेकर तेजस्वी की टीम नीतीश सरकार पर नए नए बयान और मुद्दों के साथ हमला कर रही है। वहीं आरजेडी संगठन के लोग भी अपने तर्कों से सरकार की बोलती बंद कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, पटना के कंकड़बाग में कोरोना पॉजिटिव पत्नी का मर्डर, फिर सुसाइड। पटना में स्टेशन मास्टर ने बेटा बेटी के सामने पत्नी का गला काट दिया। बच्चों की चीख पुकार पर अपार्टमेंट से कूद गया। कोरोना के इस खौफनाक दौर में सोमवार सुबह बिहार की राजधानी में एक मर्डर सुसाइड की वारदात सामने आई। कंकड़बाग में मुन्ना चक के पास न्यू चित्रगुप्त नगर पार्वती रोड स्थित ओम रेसिडेंसी में सुबह करीब 7:15 बजे सुसाइड की खबर आई। बाद में पता चला कि 3-4 साल से इसी अपार्टमेंट में रह रहे स्टेशन मास्टर अतुल लाल ने आत्महत्या से पहले कोरोना पॉजिटिव अपनी पत्नी तुलिका की ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी थी। अतुल की पोस्टिंग फिलहाल पटना जंक्शन के रूट रिले इंटरलॉकिंग में थी। वहीं दोस्तों, बिहार में NMCH में 15 और मरीजों की मौत। राज्य में कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं उच्चस्तरीय बैठक। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। सोमवार को पटना के NMCH में 16 मरीजों की मौत हो गई। कल इस अस्पताल में 11 मरीजों की जान चली गई थी। इधर पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के निरीक्षण अनुभाग में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी रंजीत कुमार की मौत कोरोना से हो गई। वह पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित थे और उनकी मां भी संक्रमित है। वो पटना के कंकड़बाग में अशोक नगर रोड नंबर 13 में रहते थे। इस बीच सीएम नीतीश कुमार कोविड-19 के मद्देनजर एक अन्य मार्ग के संकल्प में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसमें वो कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी ले सकते हैं। वायरस द्वारा अररिया में जिसके सिर पर थी 11 बहनों की शादी की जिम्मेदारी, घर की छत पर मिली उसकी गला कटी लाश। अररिया जिले की पोखरिया पंचायत में घर की छत पर एक युवक का गला रहता हुआ शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। मृतक जोकीहाट थाना क्षेत्र के डूबा कामत निवासी हबीब का 27 वर्षीय पुत्र मुश्ताक बताया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि मुश्ताक पर ही पूरे परिवार का बोझ था। 11 बहन 2 भाइयों में वह सबसे बड़ा था। एक भाई असगर बाहर मदरसे में पढ़ रहा था, बाकी सभी परिवार के सदस्य छोटे छोटे हैं। मुश्ताक की कमाई से ही पूरा घर चलता था। वही दोस्तों, सारण के जिले में एक गांव में 2 दरिंदों ने एक नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। गांव के ही 2 युवकों ने जबरन उठाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने स्थानीय थाने में आवेदन देते हुए गांव के ही गौतम राय और विधान राय को नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता के पिता ने बताया कि घर के बगल में एक बारात आई थी जिसमें काफ़ी शोर शराबा था। वहीं हम लोग भी गए थे। वहाँ से जब लौटे तो मेरी पुत्री काफ़ी
कराह रही थी। जब हमने पूछा तो रोती बुलकती हुई उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसके बाद हम लोग थाने गए और रिपोर्ट लिखाई है। ये घटना छपरा की बताई जाती है। वही दोस्तों, नवादा में 4 दिन का लॉकडाउन। NMCS में कोरोना से आज 15 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण की दर अब बढ़कर 13 तक पहुंच गई है और अब जान गंवाने वालों की संख्या भी अधिक हो गई है। इस बीच बिहार में कोरोना के मामले काबू से बाहर होते जा रहे हैं और नवादा में फिर से एक बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 4 दिन का लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। वही दोस्तों, मुजफ्फरपुर समेत 8 स्टेशनों पर 50 रुपये में मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट। स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम में वृद्धि कर दी है। मध्य रात्रि से 15 मई की मध्य रात्रि तक यह व्यवस्था लागू। भीड़ भाड़ काम कम करने को लेकर किया गया फैसला। दोस्तों, बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आज इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बिहार के जिलों से जुड़ी हर एक छोटी छोटी खबरों को पाते रहने के लिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि उन सभी तक ये खबर पहुँच सके।